दोस्तों आपका स्वागत है हमारे रूफटॉप ऑर्गेनिक्स में। आज हम बात करने जा रहे हैं आपसे एडेनियम की। देखिए, हमने कुछ एडेनियम लगा रखे थे, अब इनको लगभग एक महीना हो गया है और मैं आपको अब दिखाऊं तो ये देखिए इसकी इतनी अच्छी रूटिंग हो चुकी है और अब ये ग्रोथ नहीं ले रहे हैं। इसमें मैंने देखा है काफ़ी दिनों से अब ये ग्रोथ नहीं ले रहे हैं क्योंकि इसके अंदर कोकोपीट था, वर्मिकुलाइट था, पललाइट था, तो इसके अंदर कुछ ऐसा पोषक तत्व इनके लिए नहीं था कि ये ग्रोथ करे। वैसे भी एडेनियम दोस्तों बहुत धीरे धीरे ग्रो करता है, तो अब गर्मियों से लेके मैं इसको 6-7 महीने तक अपने इस पॉट में ग्रोथ करने जा रहा हूँ। देखिए ये पॉट, ये काफ़ी अच्छा है एडेनियम के लिए, काफ़ी बड़ा है और इसी में ये मेरे सारे हो जाएंगे और जब ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो फिर मैं इनको दूसरे पॉट्स में लगाऊंगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं किस प्रकार से हम इनको रिपोर्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये लेना है, उसके बाद जो हमारे इसमें होल है इसको हमने अच्छी तरह से ढक लेना है। और देखिए, आपने मैंने ऑलरेडी इसमें नीचे से पहले ये थोड़े से कंकर भर दिए हैं, इनको आपने भर देना है। ये हमारी सॉइल मिक्स है, ये हमारी जो एडेनियम की सॉइल मिक्स हमने पहले बनाई थी वही है। इसके अंदर रेत है हमारा और छोटे छोटे खंगर के कुछ टुकड़े भी आपको नज़र आएंगे, देखिए। इसलिए हम इस समय ज़्यादा खाद इसमें नहीं मिला रहे हैं और आप देखेंगे इसमें इस प्रकार के छोटे छोटे पैबल्स इसमें आपको मिल जाएंगे, क्योंकि एडेनियम के लिए हमारी जो सॉइल होनी चाहिए वो बिल्कुल वेल ड्रेन होनी चाहिए और इससे बढ़िया वेल ड्रेन हो नहीं सकती दोस्तों। बहुत ही बढ़िया सॉइल है। इसमें हम थोड़ा ये साफ पाउडर, फंगीसाइड पाउडर मिलाएंगे, इसको 2-3 चम्मच आप इस प्रकार से मिला लें, ये आपको मिलाना है। और प्लस इसमें हम देखिए अपनी थोड़ी सी गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट थोड़ा सा मिला हुआ है, इसको मिला रहे हैं क्योंकि अभी हमें इसमें एडेनियम में ग्रोथ लेनी है। और ये साथ में दोस्तों हमने रखा है कि बहुत ज़्यादा सूख न जाए, थोड़ा सा पत्तियों का चूरा रखा हुआ है हमने, उसको मिला रहे हैं। तो इस प्रकार से हम इन सबको मिला लेंगे। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से पॉट को भर देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखिए इसको पूरा भर लिया है और इसको आपको ऊपर तक भरना है क्योंकि ये छोटे एडेनियम है हमारे और ज़्यादा पानी इसमें लगेगा नहीं और पानी हम इसमें आराम से देंगे। और जब कभी बारिश वगैरह आएगी, आगे रेनी सीजन होगा, तो इसमें आपका पानी अटके ना, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब हम इस प्रकार से एडेनियम्स को निकालते हुए धीरे धीरे एक एक एडेनियम को इसमें लगा लेंगे। थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखेंगे, ग्रो करने के लिए इनको जगह स्पेस चाहिए। तो इस प्रकार से देखिए हम इनको इस प्रकार से लगा लेंगे। तो दोस्तों देखिए हमने ये लगा लिए, करीब ये 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 और 2, 14 प्लांट हमारे इसके अंदर आ गए हैं। अब इन 14 प्लांट को हम इसमें ग्रो करेंगे, ये बहुत अच्छे हमारे इसमें ग्रो होंगे। हमारे 14 पॉट लगाने की हमें आवश्यकता नहीं है दोस्तों, बाकी 3-4 प्लांट बच गए हैं उनको हम बाद में लगाएंगे। और अब इसमें हम पानी मिला देंगे, आपको पानी हल्के हल्के तरीके से देना है इस प्रकार से। और अभी तो हम पूरा पानी देंगे लेकिन उसके पश्चात हम धीरे धीरे इसमें पानी कम ही डालेंगे, उतनी डालेंगे जितनी इनकी ज़रूरत हो। इनकी जड़ अभी रूट बहुत अच्छी तरह नीचे तक गई नहीं है, एक्स्ट्रा पानी नहीं देना है हमें कि इनमें गलन पैदा हो। वैसे भी दोस्तों गर्मी बहुत है आजकल, तो आप आराम से लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एडेनियम बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है, ये बहुत अच्छा मौसम होता है एडेनियम को लगाने का गर्मियों के टाइम पर। देखिए इस प्रकार से हमने ये पानी डाल दिया है, ये पानी पूरा नीचे तक हमारा चले गया है। इसमें आप देख रहे हैं हमारे देखिए सूखे पत्ते भी हैं, आपको नज़र आ रहे हैं, वो पानी को होल्ड करेंगे। और दूसरा थोड़ा सा कोकोपीट भी इसमें मिली हुई है, वो भी पानी को होल्ड करेंगे। ऐसा नहीं है कि पानी एकदम सूख जाएगा, जितना एडेनियम को हमारा ज़रूरत होगा उतना ही पानी इसमें मिलेगा। तो दोस्तों आपको एक चीज़ और हम कहना चाहते हैं, ये एडेनियम हमने गिफ्ट देने के लिए ही लगाए हैं, तो ऐसे 5 लोगों को हम इनको एडेनियम्स को गिफ्ट करेंगे बाद में। दोस्तों ध्यान से सुन लीजिए, ऐसे 5 लोगों को हम एडेनियम देंगे जो हमारी लगातार अगस्त तक जितनी भी एडेनियम की वीडियो आएंगी उन सब में उनके कमेंट्स होंगे, तो ऐसे 5 लोगों को चुनते हुए हम ये एडेनियम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। तो अगली वीडियो जो भी जब भी हमारी आए, अगर आप भी एडेनियम चाहते हैं तो आपको हम 2 एडेनियम देने वाले हैं। तो हर एडेनियम में अपने कमेंट्स लिखें, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, आपको हमारे एडेनियम कैसे लगते हैं ये बताइए। तो दोस्तों बीच में हम आपका इसका अपडेट देते रहेंगे कि हमारे एडेनियम किस प्रकार से ग्रो हो रहे हैं और हमें इसमें क्या करना है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी तो आप वीडियो देख पाएंगे। तो नमस्कार, फिर मिलते हैं, बाय बाय।